पटवारी जी सोच रहे थे कि उनकी चालाकी काम कर जाएगी, लेकिन उनके सामने थी लोकायुक्त की टीम, वो पुलिस जिसके सामने बड़े बड़े रिश्वत खोरों की एक नहीं चलती। उस पुलिस के सामने एक पटवारी की कैसे चलेगी? मामला रिश्वत से ही जुड़ा था और पटवारी साहब जो मुंह से निकाल रहे थे वो 500-500 के नोट की लुगदियां हैं। दरअसल पूरा मामला कटनी का है, जहां के बलहारी में तैनात पटवारी गजेंद्र सिंह ने चंदन सिंह लोधी से जमीन के एक मामले को सुलझाने के लिए रिश्वत की मांग की थी। चंदन सिंह ने इसकी शिकायत लोकायुक्त से कर दी। तय समय पर चंदन सिंह रिश्वत लेने पटवारी गजेंद्र सिंह के पास पहुंचा। इसी दौरान वहां मौजूद लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत देते हुए आरोपी को धर दबोचा, लेकिन आरोपी शातिर निकला और उसने 500-500 के नोटों को चबा लिया। फिर क्या था, लोकायुक्त पुलिस ने नोटों को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब नोट नहीं निकले तो फिर उसे अस्पताल लेकर पहुंच गए, जहां डॉक्टर्स ने आरोपी पटवारी के मुंह से नोटों की लुगदियां निकाल दी। दिनांक 10/7/23 को आवेदक है चंदन सिंह लोधी निवासी बरखेड़ा, इनके द्वारा शिकायत की गई कि इनके दादा की जमीन है बरखेड़ा में, वो जमीन के सीमांकन और उसके रिपोर्ट देने के एवज में संबंधित जो हल्का पटवारी है गजेंद्र सिंह द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसमें 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग करने की शिकायत की थी। जिस शिकायत के सत्यापन के उपरांत आज दिनांक को आवेदक को रिश्वत लेने के लिए बिलहरी स्थित अपने प्राइवेट कार्यालय में बुलाया गया, जहाँ पर रिश्वत आवेदक द्वारा दी गई उसी दौरान टीम द्वारा ट्रैप किया गया। जैसे टीम द्वारा ट्रैप करने की कार्रवाई की गई, उसी दौरान जो पटवारी है गजेंद्र सिंह द्वारा उक्त जो रिश्वती राशि है उसको उठा करके अपने मुंह में रख करके उसको चबा करके उन्हें नष्ट करने की कोशिश की है। 4,500 रुपये बताया जा रहा है कि फरियादी ने लगभग 4,500 रुपये पटवारी को दिए थे, लेकिन जैसे ही लोकायुक्त पुलिस रंगे हाथ पकड़ने के लिए पटवारी के पास पहुंची तो वो नोटों को चबा गया। फिलहाल लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी पटवारी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। कटनी से अमर ताम्रकर की रिपोर्ट, MP तक।